इस जेंजी जनरेशन के टिपिकल मम्मी के सुधरे हुए बच्चे, और इस कहानी में इनका हथियार शिक्षा और देश प्रेम है। यह है साहिल। वैसे तो ये इस ग्रुप के लीडर है और दिल के थोड़े अच्छे हैं, पर भैया इनके कर्म थोड़े कच्चे हैं। इनका तो क्या ही कहना, इनका नाम है दिव्यांश। इनके पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, भैया फिर भी इनको यकीन नहीं। इनका है भैया एकदम फौजी अंदाज, देश के लिए मर मिटने को है ये तैयार, पर कुछ कम नहीं किए इन्होंने कांड। इसलिए कहते हैं कभी ना करे अपने संस्कारों का पिंड। देख रहे हैं क्या भाई, मजा आ रहा है लेकिन बिहारी से चाय बनाते हैं, यही आता हमेशा। यह है अभिनव, ओमकार और हमारे बिहारी पापू। ये इस कहानी में उन किरदारों की तरह है जो गांव के मुस्तंडे बनकर गलियों में घूमते रहते हैं। इनकी अदा में है कुछ ऐसी खास बात कि दुनिया देखे इनकी शान और थाट, क्योंकि ये दुनिया को दिखा देते हैं उनकी अपनी असली औकात। हेलो हेलो। हाँ साहिल बोल। क्या भाई चलना है कल पार्टी में? नाटक मत कर। देख नहीं, नहीं हो पाएगा यार, कल रिपब्लिक डे तो पता नहीं है क्या? भाई पब्लिक डे छोड़ देना, जो भी है छोड़ दे यार, नाटक मत कर यार। भरत को भी चल लेके चलेंगे और वो भी जाएगा तेरा दिव्यांश। तो एक काम कर, तू भरत से पूछ ले, ठीक है? हाँ बैठा बोल रहा था, बहुत दिनों से मिले नहीं है अपन सब लोग, तो है ना ग्रुप पार्टी हुआ नहीं है, तो पार्टी के लिए बोल रहे थे। अरे कल ही चलते, मजा आएगा। चलो जा रहे हैं, हम लोग सब आ कौन रहे? हम लोग सब है। हाँ हम लोग सब है। तो क्या नाम है अपना, कॉल क्या था? आदित्य को मैं कॉल किया, मैं बोला चलते हैं कॉल कर ले, जल्दी कॉल कर लो। हेलो आदित्य। हाँ भाई बोल। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। अच्छा सुन रहा है, तू कल मना कर दे पार्टी में आने के लिए? हाँ हाँ मना तो क्या हूँ। अरे क्यों क्या मना है, इधर सब लोग बैठे, स्पीकर में कंफर्म कर लेते क्या कर। हाँ ठीक है कर। ठीक है रुक, लो बात तो ये। हेलो। हाँ सर बोल भाई। यार देखो आज सुबह ही कॉल किया था ना मुझे। हाँ तो मैं तो सर तो बताया था ना। देख सर तू बताया था यार, लेकिन अरे जो क्या सर, तो जो भी मंजूर हम लोग को। देख मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग कल स्कूल आओगे तभी मैं पार्टी में आऊंगा। ठीक है चलिए, हम लोग मंजूर है सब, ठीक है ना? थोड़ा देर स्कूल चल जाएगा शाम को, लेकिन तू पार्टी में आएगा। ठीक है पक्का आएगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बाय। Yeah!
चल 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 जल्दी चल। हेलो, हाँ भरत। हाँ भरत, हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ चल आ। मम्मी मैं आज पार्टी में जा रहा हूँ। क्यों मैं जो मर्जी रहे मम्मी मैं करूँगा। हाँ अच्छा। अरे मम्मी थोड़ा पार्टी में हूँ यार। मम्मी समझो ना थोड़ा। मम्मी एक घंटा। अरे प्लीज ना मम्मी, जरूरी जरूरी। अरे यार ठीक है आता हूँ। क्या यार हमेशा हो गया इसका। मम्मी का कॉल आ गया था, घर जाना पड़ेगा। क्या यार तेरी मम्मी का हमेशा कॉल आ जाता है, पार्टी हम लोग बर्बाद हो जाते। क्या यार तू कभी अपनी मम्मी के पल्लू से हटेगा नहीं क्या? हमेशा अपनी मम्मी का पल्लू से बंधा रहेगा क्या? क्या बात है, हर टाइम का हम लोग का पार्टी बर्बाद हो जाए, हम लोग का इतना होता है। नहीं 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 वो सब ठीक है। माँ के बारे में कैसे बोल रहे यार? तू तेरी पल्लू में बंधा हुआ है मतलब? नहीं तो तेरी मम्मी को नहीं समझा सकता है क्या? पल्लू में बंधा हुआ है मतलब? हाँ तू पल्लू में बंधा हुआ है। नहीं मैं पूछ क्या? पांच बार बोलूंगा पल्लू में बंधा हुआ है, पल्लू में बंधा हुआ है। पल्लू में क्या बंधा हुआ है बे? हमेशा क्या तेरा क्या बे? पल्लू में सुनना तू तेरी मम्मी को क्या मेरे को क्या मारेगा? मार दूंगा। देख नहीं रहा मेरे साथ बड़ा ये बड़ा था मेरे साथ क्या है? क्या है? कर लोगे दोनों हाँ मार दे इधर ही वो। तू भी हट जा, कर लोगे कुछ मेरा? हाँ कर लेंगे। क्या कर तू क्या कर लेगा बे? लाइट बंद कर सारा। लाइट बंद करो। क्या कर लेगा भी हम लोग का? आज बता रहे इसको रुक। आज बहुत ज्यादा बन रहे हैं ना जी। खत्म है रुक। हाँ भाई सुन भाई, मैटर हो गया भाई, जल्दी आ भाई, मैटर हो गया है। अरे वही अपना पुराना अड्डा, वही पार्टी वाला। हाँ पार्टी वाला एरिया। हाँ पहुँच पता तो क्या उखाड़ लेगा। क्या हो गया अभी? क्या कर दिया तुम लोगों? एम्बुलेंस बुला जल्दी। ए, तू ही है ना बे साहिल का दोस्त? हुआ तो क्या हुआ? ए, क्या बे सियाना बन रहा है क्या? अरे भाई ओमकार पागल है क्या यार? क्या हुआ? अपने बीच का मैटर है, देख लेंगे हम लोग भाई। यार साहिल सॉरी यार, तू तेरी मम्मी को सिर्फ बोला तो उसके लिए ठीक है ना? अपने बीच में और कुछ होना नहीं चाहिए। अब अपन आके वापिस से दोस्त बन जाए ठीक है? चल चल। तो बच्चों आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानने से पहले आज हम जानेंगे कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्टिकल किसे कहते हैं? उसे एक एटम अणु कहते हैं। क्या एटम से भी कुछ छोटा पार्टिकल हो सकता है? तो हाँ, उससे छोटा पार्टिकल भी हो सकता है जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अरे सर केमिकल बॉन्डिंग तो ठीक है, आपके भी बॉन्डिंग का कुछ बताइए। डोंट यू हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स?
What are you doing? Hydrogen is the first element. I'm sorry, I don't have to. Well, then you find it. कैसा था? चाय एक नंबर था, मलाई डाल के अरे हाँ। चाय बनाते एकदम। अरे हम लोग भी चलेंगे। हाँ चलेंगे पक्का, जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो ना, इससे यही साबित होता है कि आपके मन में अपने गुरु के लिए कोई भी सम्मान नहीं। हमारे भारत की संस्कृति में ना ऐसे ऐसे शिष्य रहे हैं जैसे कि एकलव्य, जो अपने गुरु को बिना देखे ही गुरु दक्षिणा दे दिए थे, और एक आज तुम लोग। हम अपने टीचर्स की कभी डिसरेस्पेक्ट नहीं किया करते थे अपने समय पर। इससे ना तुम्हारा जिंदगी में कभी भी सफलता तुम्हें प्राप्त नहीं होगी और तुम्हारा हमेशा ही नुकसान ही होगा। फोन किसने लाया है? किसने फोन लाया है? आई वोंट टॉलरेट दिस एनीमोर। दिस इज टोटली फेडिंग मी अप। आई विल डेफिनेटली कंप्लेन टू यू, टू द प्रिंसिपल एंड योर पेरेंट्स। मैं और ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। आई एम लिटरली फेड अप फ्रॉम यू। चले चल 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 मजा करेंगे। अरे रुक ना बिस्तर फोन आ रहा। रुक तुम तो नहीं है। कौन फोन किया? रुक रुक रुक। हेलो हेलो, क्या मैटर हो गया? क्या हुआ है? कहाँ? अच्छा एक मिनट रुक रुक रुक, अभी नहीं जा पाऊंगा भाई अभी। रुक, हम मतलब देखता हूँ, कोशिश करूंगा आने का, लेकिन समझ मैटर होगा। भाई बर्थडे पार्टी। हाँ देखूंगा, टाइम मिलेगा तो आऊंगा। चले चले बैठो बैठो, जल्दी 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 एकदम, टाइम नहीं है। चले चल 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 चल। देख तो
राष्ट्रप्रेम से मिलता क्या है? राष्ट्रप्रेम अरे यार ज्यादा कुछ नहीं पगार है महान बनता रहता है वीडियो बनता है जाता है सब लोग के सामने फेमस होता है पैसा कमाता होगा नहीं सब कैमरा तक पहले तो ये बताओ क्या सोशलिज्म यार क्या 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 मिलेगा बस आए थे किस लिए पार्टी के लिए पार्टी स्टार्ट करते हैं ना पार्टी स्टार्ट कर डाला बुलाना डाला हेलो क्या आखिर तू भूषाई हुआ मन से तू निराशाय हुआ मगर नर बुद्धि चूर होकर हार गया तू मन से दूर होकर हार गया तू मन से दूर होकर अभी सुना भी सुना भी सर आए नहीं आइए मैम आइए देखिए क्या चल रहा है ये आइए ना तुम्हें स्कूल क्यों भेजा जाता पढ़ने नहीं है ना सर का कंप्लेन है क्या चल रहा है ये सब स्कूल में आगे से इन बच्चों के साथ कमरा हो गया तुम आदित्य पढ़ाना सिंह तुम भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू आई थॉट यू वेरी गुड स्टूडेंट क्या ये जो मैंने किया क्या वो सही था क्या मैं सही राह पर हूँ हूँ भी या नहीं नहीं अब मैं नहीं सह सकता परंतु ये बात ना तो मैं अपने पेरेंट्स ना तो अपने टीचर को बताने के लायक हूँ मैं क्या करूँ परंतु अब अर्णवी है मेरा मित्र जो मुझे इस दुविधा से निकाल सकता है जिससे मिलकर मैं सारे बात खुलकर कर सकता हूँ उससे बात करके देखता हूँ अनफ मैं रियली बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हूँ और मैं नहीं जान पा रहा हूँ शायद मैं डिप्रेशन में भी चला जाऊँ मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ अब एक आप ही हो जो मुझे इस दुविधा से निकाल सकते हो और कोई नहीं मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बोल के मैं आपके पास आया हूँ अब आप ही मेरी हेल्प करो प्लीज अर्णव प्लीज ये प्लीज की झंझट छोड़ मैं कोई एक बहुत गणमान्य व्यक्ति नहीं जो तुम मुझे प्लीज कह रहे हो मेरे बात को समझो मैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं जो तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता पर मैं तुम्हें सही राह जरूर दिखा सकता हूँ राह दिखाने के लिए तुम्हारे लिए मेरे पास सबसे बड़े तीन ब्रह्मास्त्र वो ग्रंथ है जिन्होंने इस भारत भूमि या पूरे विश्व की दशा और दिशा बदली जिनसे लोग सीखते हैं और अपने सक्सेस को पाते हैं वो ग्रंथ है ग्रंथ भारत की आत्मा है भारत की शक्ति है भारत का विश्वास है और भारत की छवि को दर्शाते हैं भारत की अंतरिम की आत्मा है तो भारत गणराज्य में रहने वाले सभी भारतवासियों को हमेशा गाइड करते हैं विश्व में
रहने वाले हर मनुष्य के लिए ये ग्रंथ सबसे महान, सबसे उच्च है। इन ग्रंथों की तुलना हम किसी बुक से नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत प्रभावशाली है, इसीलिए हम इन्हें ग्रंथ कहते हैं। परंतु अर्णव, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे इस प्रश्नों का निवारण कैसे होगा, और इस दुविधा में जो फंसा हूँ इसका भी निवारण कैसे होगा, मुझे ये जानना है। तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इन तीन महाग्रंथों में मिलेगा। तुम्हारी दुविधा के जो भी निवारण है इन तीन महाग्रंथों में पढ़ने से मिलता है। इन्हें जानो, इनकी गहराई तक जाओ, इन्हें समझो, इनसे अपने जीवन का सार लो, तत्पश्चात अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अवश्यता ही सफलता प्राप्त हो। जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सुजामय, तब तब मैं आता हूँ, परित्राणाय साधूनाम्, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, कल जो बच्चों इंसिडेंट हुआ है उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद वो चीज नहीं होना चाहिए था जो कल हुआ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपने टीचर्स, अपने गुरुओं का कैसे इज्जत किया जाए, मान सम्मान किया जाए, क्योंकि ये आज की चीज नहीं है, ये हमारे भारत संस्कृति में बहुत पुराने समय से, बहुत काफी पुराने समय से ये चले आ रहा है। और गुरुओं का सम्मान करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। ये हमारे संस्कृति का सबसे बेसिक एक गुण है जो हमारी संस्कृति में चला आ रहा। लेकिन इसके बारे में और बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है इसके हमारा संस्कृति है क्या, संस्कृति का माने क्या हो? सर, संस्कृति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सर, आप जैसे पूछ रहे हैं क्या है संस्कृति, सर संस्कृति हमें समाज के बारे में सिखाता है और भक्ति मीन शक्ति। सर, संस्कृति तो हमें पहला बात संस्कार सिखाता है। अगर कोई व्यक्ति संस्कार सीख लेगा तो अपने जीवन में हर एक चीज पा सकता है। और सर, मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, संस्कृति ही सिद्धांतों का जन्म का कारण। आदित्य, तुम्हारे अंदर अचानक से इतनी चेंजेस कैसे हैं? हाँ लोगो जाने। देखो, तुमने जो प्रश्न किया ये बिल्कुल सही है। ये दौर से सब कोई गुजरते हैं, मैं भी गुजरा, आप लोग जैसे जाने। मैं आज आपको तीन चीज दूंगा जिसका आप पढ़ो, उससे आपका जीवन जरूर चेंज होगा। रुको, मैं रखता हूँ। अरे ये तो गीता, बाइबल, कुरान, यह तीन ग्रंथ जिन्हें आप पढ़ो आपका प्रश्न का सारा उत्तर इसमें है। इसे आप जरूर पढ़ो, ठीक है? शुक्रिया। शिवम, अभिनव, कैसा चल रहा है आपका दिन? सब ठीक है भाई। जब तुमने तीनों ग्रंथ किए थे ना, हमारे उससे पढ़ के
हमारा जो जीवन है तो सफल होने का कगार में है, और जो सपना देखे थे वो तो करोगे ना? सपना पूरा करेंगे। अब हमने सोचा है कि आर्मी ज्वाइन करें। बिल्कुल, दिन रात सुबह शाम दिन रात हमें बस एक ही चीज मेरा दिमाग में, हमारा दिमाग में गूंज रहा आर्मी, बस एक ही चीज को सोच के रखो, ठीक है? धन्यवाद। धन्यवाद। दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से पापा मम्मी कहाँ हैं? बेटा रूम में है ना, मम्मी रूम में। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ मां। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। हमें गर्व है हमारी भारतीय संस्कृति पर। त्याग, सम्मान, संयम, सत्य, अहिंसा, आध्यात्म से भरी हमारी संस्कृति ही हमारे मूल्यों और सिद्धांतों के जन्म होने का कारण है। इसी का एक पहल है एक सोच युवाओं को दिशा देने के लिए, सोच युवा वर्ग के लिए, सोच समाज के लिए और सोच हमारे पूरे राष्ट्र के लिए। राष्ट्र को विकसित बनाने में युवाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी है, और अगर यही युवा गलत गलत धंधों में फंसा रहेगा तो वो कैसे भारत को विकसित बनाएगा? भारत की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इसी पहचान को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब पर है, क्योंकि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।